संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम सैटेलाइट ना माध्यम थी जोड़ती कड़ी एटले संधान। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लाइमेटोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे और आज हमारा टॉपिक है इंडियन मॉनसून। लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था इवोल्यूशन ऑफ अर्थ से। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बाद हमने देखा कि किस तरीके से अर्थ का एटमॉस्फेयर में लेयर्स डिवाइडेड हैं। उसके बाद हमने देखा किस तरह से हीट एंटर हो रही है अर्थ के अंदर और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। हीट बजट हमने देखा। हीट बजट के बाद हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने प्रेशर बेल्ट्स देखे, किस तरीके से प्रेशर बेल्ट्स डिवाइडेड हैं। इन सब के बाद आज हम शुरू करेंगे टेम्परेचर बेल्ट से। हम देखेंगे टेम्परेचर बेल्ट्स किस तरीके से समर एंड विंटर के अंदर डिस्टॉर्ट होती है। उसके बाद हम देखेंगे जेट स्ट्रीम और जेट स्ट्रीम के बाद एनसो अल नीनो एंड सर्दर्न ऑसिलेशन। जब ये सब हम कर लेंगे उसके बाद हम इंडियन मॉनसून पे आएंगे। इंडियन मॉनसून पढ़ने के लिए हमको ये जितने भी इससे पहले वाले लेक्चर में और अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सब मिला करके इंडियन मॉनसून को हम डिस्कस कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन से। हम पहले टॉप पे देखेंगे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम किस तरह से इक्वेटर पे सबसे पहले सबसे ज़्यादा हीट एंटर होती है अर्थ के अंदर। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिकल रीजन जो है इसके अंदर अर्थ पे सबसे ज़्यादा हीट एंटर होती है। अगर हीट बजट भी हम देखें तो इस रीजन के अंदर हीट एक्स्ट्रा में रहती है। कहने का मतलब है कि इसके अंदर हीट एंटर ज़्यादा होती है बट बाहर कम जाती है। सिमिलरली इसके बाहर का जो एरिया है पोलर रीजन तक, इस रीजन के अंदर हीट एंटर कम होती है और बाहर ज़्यादा जाती है। ये जो डिफरेंस है यहाँ पे जो डिफरेंस है और यहाँ जो डिफरेंस है ये दोनों सेम होता है। इसका मतलब यहाँ से जितनी भी हीट एक्स्ट्रा में आई होती है वो सारी हीट यहाँ पे जाती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये थ्रू एयर एंड थ्रू ओशन ऑसिलेशंस होता है। आज हम देखेंगे किस तरीके से टेम्परेचर बेल्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ओवर द अर्थ। सबसे पहले यहाँ इक्वेटर के ऊपर जहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट रहता है, लो प्रेशर जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, लो प्रेशर हमने जाना था कि लो प्रेशर इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट एंटर होती है। तो ये एक टेम्परेचर बेल्ट अगर हम बना दें तो ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा। पोल पे सबसे कम टेम्परेचर होगा। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि पोल पे जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो उसके टेम्परेचर की वजह से है, इक्वेटर पे जो लो प्रेशर बेल्ट है वो उसके टेम्परेचर की वजह से है। बट इसके इन दोनों के बीच में जो दो प्रेशर बेल्ट्स हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये दो प्रेशर बेल्ट अर्थ के मूवमेंट की वजह से है। अर्थ के मूवमेंट की वजह से जो कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है उसकी वजह से ये दोनों प्रेशर बेल्ट्स हैं। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जा रहा है। लेकिन प्रेशर बेल्ट्स अगर हम देखें तो ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनका। सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर मोर और लेस इनका डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल ही है बट यहाँ पे ऐसा नहीं है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उसका रीज़न है यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है, ऑन द अदर हैंड सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लैंड एरिया बहुत कम है। अगर हम मैप ड्रॉ करके देखें तो ये सर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लैंड एरिया ज़्यादा है, क्योंकि ये अफ्रीकन प्लेट्यू, उसके अलावा इंडियन प्लेट्यू, फिर यहाँ पे अमेरिकन, साउथ अमेरिकन एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्यू, ये दोनों प्लेट्यू भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीकन रीजन, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बस ये दो ही हैं। इसी वजह से ये जो लैंड एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, इस वजह से टेम्परेचर जो बेल्ट्स हैं वो डिफ्लेक्ट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बट सर्दर्न हेमिस्फीयर में उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम देखेंगे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है ये। लेट्स से ये इक्वेटर पे 30 डिग्री सेल्सियस है, अभी हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, और सपोज़ यहाँ पे एक लैंड एरिया है, तो यहाँ इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक समर में और एक विंटर में। समर में लेट्स से जुलाई, एंड विंटर में लेट्स से जनवरी। ये दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम जुलाई सीज़न ले तो जुलाई सीज़न के अंदर लैंड एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ओशियनिक एरिया। वाटर इन जनरल लैंड एरिया से कम गर्म होता है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक रीज़न है स्पेसिफिक हीट, वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है। स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है इसका मतलब है कि वाटर में एक डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है तो ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी इन कंपैरिजन टू लैंड एरिया। लैंड एरिया में लेट्स से वन यूनिट एनर्जी अगर चाहिए टू इंक्रीज़ टेम्परेचर फ्रॉम वन डिग्री टू वन डिग्री सेल्सियस, तो वाटर एरिया जो है उसके अंदर 1.1 या 1.2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो वाटर जो है उसमें स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, नंबर वन। नंबर टू, वाटर मोबाइल होता है, इस मोबिलिटी की वजह से वाटर में जो हीट, वाटर जो हीट कैप्चर करता है उसको डिस्ट्रीब्यूट बहुत इजीली कर लेता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है तो इसका पर यूनिट हीट जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होता है, और उसी वजह से इसमें टेम्परेचर इसका कम होता है। तीसरा रीज़न ये है कि वाटर जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, तो यहाँ पे अगर सनरेज आ रही है तो वो काफ़ी अंदर तक जाती है, और एरिया इसका कवर बहुत ज़्यादा होता है। इस एरिया कवर ज़्यादा होने की वजह से इसमें पर यूनिट हीट एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होता है और टेम्परेचर इंक्रीज़ कम होता है। तो ये सब कुछ रीज़न है जो कि वाटर के कम गर्म होने के इन कंपैरिजन टू लैंड एरिया। अभी जुलाई मंथ के अंदर यहाँ पे अगर वाटर का एरिया, वाटर एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे, सपोज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर 25 डिग्री सेल्सियस है वाटर के टेम्परेचर, देन लैंड टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है तो यहाँ 30 होगा, और कंपैरिजन 30 के बाद ऊपर की तरफ यहाँ 25 के आसपास होगा। तो यहाँ 25 है, यहाँ 25 है। अगर हमको आइसोथर्म बनाना है, आइसोथर्म मतलब इक्वल टेम्परेचर की बेल्ट अगर बनानी है, तो टेम्परेचर बेल्ट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो समर पीरियड के अंदर लैंड एरिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आइसोथर्म नॉर्दर्न डायरेक्शन में मूव होगा, और जैसे ही ओशियनिक एरिया में आएगा तो वही सर्दर्न डायरेक्शन में मूव होगा। सिमिलरली सर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका जस्ट उल्टा होगा, और जो जनवरी के अंदर अगर हम लें तो जनवरी के अंदर सेम फिनोमेना हम यहाँ पे लगाएंगे, जिसके अंदर टेम्परेचर जो है वो इस तरीके से जाएगा। सेम रीज़न कि जनवरी के अंदर लैंड एरिया ठंडा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ओशियनिक एरिया। तो ये टेम्परेचर बेल्ट्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सिमिलरली ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, और जनवरी के अंदर इस तरीके से। ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, इसका जस्ट उल्टा होगा सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। एक बार हमने टेम्परेचर बेल्ट्स जान ली, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से
इस पे देखेंगे हम टेलीटॉप पे। जेट स्ट्रीम के बारे में हम देखेंगे, जेट स्ट्रीम किस तरीके से ओरिजिनेट होती है और उसका इंडियन मॉनसून पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जेट स्ट्रीम एक ऐसी स्ट्रीम है जो कि बहुत ही हाई स्पीड विंड है। जेट स्ट्रीम सबसे पहले अमेरिकन फाइटर पायलट्स जो थे उन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। वो यूएस से जापान पे बमबारी करने जाते थे, वहाँ से वापस आते थे। उस दौरान उन्होंने देखा कि जब वो यूएस से जापान की तरफ जा रहे हैं तो उनकी प्लेन की स्पीड बहुत कम हो जा रही है। ऑन द अदर हैंड जब जापान से यूएस की तरफ जाते हैं तो उनकी प्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ जाती है। तो ये जब फिनोमेना उन्होंने ऑब्जर्व किया उसके बाद पता पड़ा कि अपर ट्रोपोस्फीयर के अंदर एक विंड होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से बह रही है, उसी विंड को जेट स्ट्रीम कहा गया। जेट स्ट्रीम ओरिजिनेट किस तरीके से होती है इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है, बट अभी जो कंटेम्प्रेरी इसके ऊपर जो फिनोमेना है वो इस तरीके का है कि ये टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट की वजह से होती है। ये टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट जो है ये मेनली सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट जो है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है उस रीजन के अंदर होता है। सिमिलरली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है उसके रीजन में भी होता है, और भी एक दो जगह है जहाँ से ये जेट स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है। तो हम ये जेट स्ट्रीम कहाँ कहाँ ओरिजिनेट होती है ये सबसे पहले देख लेते हैं टेलीटॉप के अंदर, उसके बाद हम देखेंगे एनसो और उसके बाद हम मानसून पे आएंगे। सब पोलर रीजन के अंदर यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है और ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। विंड की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरीके से होती है, ये वेस्टर्ली डायरेक्शन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड बह रही होती है और ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स ये राइट डायरेक्शन में मूव होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी यहाँ पे ईस्टर्ली डायरेक्शन में विंड जारी होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड राइटवर्ड डिफ्लेक्शन। तो ये विंड मूवमेंट जो है यहाँ पे आपस में दोनों टकराते हैं, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। तो यहाँ पे ये जो दो एयर मास आपस में टकराते हैं इसकी वजह से, और ये जो ये काफ़ी ठंडी विंड होती है, बहुत ही हाईली कोल्ड विंड है और ये कंपैरेटिवली लेस कोल्ड होती है, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है उसकी वजह से सब ये जेट स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है। जेट स्ट्रीम ओरिजिनेट होने का और जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं ये दोनों सिमिलर फिनोमेना से ओरिजिनेट होते हैं। इसको साइक्लोजेनेसिस, फ्रंटोजेनेसिस एंड साइक्लोलाइसिस एंड फ्रंटोलाइसिस भी कहते हैं। इसके ओरिजिनेट होने का फिनोमेना इस तरीके से है कि यहाँ पे दोनों विंड जब आपस में टकराती हैं तो एक स्टेशनरी फ्रंट बनाती हैं। सबसे पहले फर्स्ट फेज़ के अंदर ये स्टेशनरी फ्रंट क्रिएट होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये दोनों विंड आपस के एक दूसरे के एरिया के अंदर एंटर करना शुरू करती है। ये जब एंटर करना शुरू करती है तो ये वार्म विंड जो है ये कोल्ड एरिया के अंदर एंटर होती है, सिमिलरली ये कोल्ड विंड जो है ये वार्म एरिया के अंदर एंटर होती है। ये जब यहाँ पे एंटर होती है तो ये वार्म विंड्स को ऊपर उठा देती है, क्योंकि कोल्ड विंड्स इनहेरेंटली ज़्यादा डेंस होती हैं, भारी होती हैं और ये नीचे रहती हैं, इसी वजह से ये जो लेस डेंसर वार्म विंड्स हैं इनको ऊपर की तरफ उठा देती है। यहाँ पे इस तरीके से होता है। सिमिलरली यहाँ पे जब वार्म विंड्स कोल्ड एरिया के अंदर एंटर करती हैं तो ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और कोल्ड विंड्स नीचे ही रहती हैं। तो ये फिनोमेना है जिसमें वार्म विंड्स ऊपर की तरफ उठ रही है, और यही वार्म विंड्स जो ऊपर की तरफ उठी हैं इसी को ये आगे जेट स्ट्रीम बनती है। जेट स्ट्रीम ओरिजिनेट जब होती है तो उसको रॉसबी वेव्स भी कहते हैं, और ये विंड्स जो है ये वेस्टर्ली डायरेक्शन में जाती है। वेस्टर्ली डायरेक्शन का मतलब है वेस्ट टू ईस्ट मूव होती है। ये जेट स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट मूव होती है, बहुत ही हाई स्पीड में मूव होती है। उसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड 1600 टू 3200 किलोमीटर।
ये इतनी इसकी लेंथ होती है, इसकी विड्थ भी अराउंड 60-100 किलोमीटर होती है। तो ये इतनी बहुत लार्ज एरिया कवर करती है ये जेट स्ट्रीम। सिमिलरली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे भी इसी तरीके की जेट स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में यहाँ पे जेट स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के रीजन में जेट स्ट्रीम ओरिजिनेट हुई, फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे, इसी तरीके से क्रॉस इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम होती है, और एक पोलर रीजन के अंदर अपर ट्रोपोस्फीयर के अंदर भी एक जेट स्ट्रीम होती है। ज़्यादातर जेट स्ट्रीम अपर ट्रोपोस्फीयर में होती है। अपर ट्रोपोस्फीयर से मतलब है अराउंड 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर हाईएस्ट हाइट होती है ट्रोपोस्फीयर की, एंड 8 किलोमीटर पोलर रीजन के अंदर। तो उस एरिया के अंदर ये जेट स्ट्रीम होती है। बट क्रॉस इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम जो कि अराउंड सोमालिया रीजन के आसपास होती है, वो जेट स्ट्रीम लोअर ट्रोपोस्फीयर के अंदर होती है। उसका रीज़न भी हम देखेंगे आगे जब मानसून पे हम आएंगे। वो क्रॉस इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम एक वन ऑफ द मेन रीज़न है हमारे मानसून के स्ट्रॉन्ग और वीक होने का। इसके बाद हम आते हैं एनसो के ऊपर। एनसो मतलब एल नीनो एंड सर्दन ऑसिलेशन। ये पेरुवियन कोस्ट और इंडोनेशियन कोस्ट, इन दोनों कोस्ट के बीच का फिनोमिना है, जो कि, और सर्दन ऑसिलेशन से मतलब है कि ऑसिलेट होता रहता है। ये किस तरीके से ओरिजिनेट होता है और किस तरीके से चेंज होता है ये हम देखेंगे टेलीटॉप में। यहाँ पे ये इंडोनेशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे पेरुवियन कोस्ट।